हम लोग अभ्यास एक कर रहे हैं। अभ्यास एक के स्टेप 7 तक हम लोगों ने कल अपने अंदर जांच परख करने का देखने का अभ्यास किया था और अब हम लोग उसको समाप्त करेंगे। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखने का ये अभ्यास है और इस अभ्यास को हर क्षण बनाए रखना है। तो अगर पहले स्टेप को देखें तो पहले स्टेप पे ये बात कही जा रही कि सजग रहें, इस क्षण अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखें, इच्छा यानी भाव को, विचार को, आशा को देखें, बिना कोई प्रतिक्रिया किए, बिना उसे बदले, बिना उसका मूल्यांकन किए, बिना कोई फेरबदल किए, ना जैसा है वैसा देखें। ये एक बहुत ही आवश्यक अभ्यास है और इसमें कई बार हमें समय भी लग सकता है, काफी समय लग सकता है, क्योंकि हम जनरली विचारों में बह जाने के आदी होते हैं। तो ये अभ्यास एक तो संभवतः पूरा हो ही जाएगा कुछ दिनों में, और परंतु ये अभ्यास एक का जो स्टेप एक है इसको अपने आप में बनाए रखना है ताकि हमारे अंदर भाव के प्रति सजगता बनी रहे, हर क्षण बनी रहे, मैं अपने आप को भाव के साथ देख पाऊं जो मेरा भाव है, क्योंकि इसी भाव में परिमार्जन होना है, इसी भाव के परिमार्जन से मुझ में ज्ञान है। तो अपने भाव के प्रति सजग रहना है। स्टेप 1 में ये बात हो रही थी। स्टेप 2 में ये कहा जा रहा है कि इस क्षण आप में जो भाव है वो आपको सहज स्वीकार है या नहीं, इसको अपने आप में देखें। स्टेप 3 में कहा जा रहा है कि इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उस भाव के साथ आप आराम में हैं कि नहीं, संगीत में हैं, सुखी हैं या नहीं है, इसको ऑब्जर्व करना है। स्टेप 4 में कहा जा रहा है कि इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है इसका निर्णय कौन लेता है, बाहर की परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति या आप स्वयं, इसका निर्णय कौन ले रहा है। स्टेप 5 में कहा जा रहा है कि इस क्षण आप में जो भाव विचार चल रहा है उसका निर्णय आप किस आधार पर ले रहे हैं। तो एक आधार हो सकता है मान्यता, दूसरा आधार हो सकता है सही समझ। ये दिखता है कि यदि मान्यता के आधार पर मैं निर्णय लेता हूँ तो उसमें सुख की, आराम की कोई निश्चितता नहीं होती, निरंतरता नहीं होती। परंतु यदि समझ आधार में होता है तो सुख की निश्चितता होती है, निरंतरता होती है। तो इससे ये अपने अंदर निर्णय बनता है कि यदि कोई मान्यता आधार है तो मुझे समझने की जरूरत है। तो स्टेप 5 में ना ये निर्णय कर पाते हैं कि मुझे समझने की जरूरत है। स्टेप 6A में क्या समझे इसको तय करने जा रहे हैं। तो कौन सा भाव आपको सहज स्वीकार है इसको देखना है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। तो अपने में जांच परख से दिखता है कि हमें संबंध का भाव, व्यवस्था का भाव, सहअस्तित्व का भाव ही सहज रूप से स्वीकार होता है, इसलिए इसको संपूर्णता में समझने का काम करना है, पूरी प्रकृति और अस्तित्व के संदर्भ में इसको समझने का काम करना है। ये निर्णय स्टेप 6B में हो पाता है और इसमें ये भी दिखता है अपने को कि एसेंशियली देखूं मुझे अपने आप में संबंध का चिंतन करना है, व्यवस्था का बोध सुनिश्चित करना है और सहअस्तित्व का अनुभव सुनिश्चित करना है, इतना ही कुल करने का काम है। तो फिर 7A में ये कह रहे हैं कि सुनिश्चित करें कि इस क्षण आपका भाव संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के अर्थ में है, न कि अन्यथा। और इस क्षण मैं इस आधार पर सुखी रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, व्यवस्था में रहता हूँ, आराम में रहता हूँ, ये पार्ट ए में कह रहे हैं। पार्ट बी में कह रहे हैं कि जब मैं संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ तब मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ और निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। तो मुझे अपने जीने में हर निर्णय अब इसी आधार पर लेना है, संबंध के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, सहअस्तित्व के आधार पर। ये अभ्यास हम करते रहे कल दिन भर के ऑब्जर्वेशन से, अगर आप कुछ निष्कर्ष निकाल पाए हो, कोई शेयरिंग हो, कोई उलझन हो तो आप रख सकते हैं। भैया, मैं तो पिछले 1 साल से जुड़ी हूँ और उसके बाद अपने अंदर परिमार्जन मैं तो देख ही रही हूँ, बट मुझसे ज्यादा जो मेरे आसपास के रहने वाले लोग हैं वो मुझे ज्यादा नोटिस कर रहे हैं कि नहीं, परिमार्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि मुझे गुस्सा पहले बहुत आता था, बिल्कुल भी नहीं आता। और सबसे बड़ा जो मैं देख रही हूँ ना,
पहले मुझे किसी के प्रति विरोध आता था तो मैं उसको खुद से जस्टिस करती थी, नहीं इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, बट अब मैं इमीडिएट मुझे एकदम से क्लिक कर जाता, नहीं विरोध का भाव आ गया, चेंज करना है, और मैं उसको एकदम से चेंज कर लेती हूँ। ये मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि लगती है कि अपनी गलती को मैं खुद ही पकड़ लेती हूँ और उसको फिट एकदम से ठीक कर लेती हूँ। मैं अभी ये तो नहीं कहूंगी कि मैं गलतियां नहीं कर रही, गलतियां कर रही हूँ, बट एकदम से पकड़ में आती है और उसको एकदम से मैं ठीक भी कर लेती हूँ। और अभी मैं आजकल छुट्टियों पे चल रही हूँ, थोड़ा सा मेडिकल इश्यू चल रहा था, तो मैंने अभी इस लास्ट वीक ही 26 से 30 तारीख मैंने अपना वो किया, UHV की वर्कशॉप करी, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी क्योंकि छुट्टियां नहीं मिल पा रही थी, तो उससे तो बस मजा आ गया। अब तो लग रहा है रास्ता कोई और है ही नहीं इस पे चलने के अलावा, तो उसके लिए बढ़िया आप सब बढ़िया जी भैया बहुत अच्छा लग रहा है। वर्कशॉप के बाद तो और ज्यादा कंटिन्यूटी बढ़ गई है कि नहीं अब तो रुकना ही रुकना है, यही रास्ते के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हस्बैंड को भी साथ साथ ही कराई थी, हस्बैंड मैंने दोनों ने की अच्छा जी भैया, भैया हस्बैंड भी साथ ही जुड़े हुए 1 साल से जी 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 भैया। बहुत 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 आभार भैया बढ़िया सबका, जी धन्यवाद भैया। बढ़िया दीदी। इनफैक्ट पिछले एक वर्ष में ये सुबह के सत्र में जो हम अपने आप में देखने का अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास एक और अभ्यास दो में, उससे अगर कोई महत्वपूर्ण परिमार्जन अपने में दिखाई दिया हो तो बहुत संक्षेप में रख सकते हैं। जी भैया अपने इसमें तो हर जगह अपने एक भाव को मैं पकड़ पाती हूँ जी एकदम से, जरा सा भी मुझे लगे ना इधर से उधर हो रहा है तो एकदम से क्लिक कर जाता है। हर क्षण मुझे अपने ऊपर नजर रहती है कि मैं कहाँ चल रही हूँ, पॉजिटिव भाव भी दिखता है और नेगेटिव भी दिखता है, दोनों दिखते हैं। और जी संबंधों में काफी गति हुई है, जो थोड़ा सा जरा सी बात पे होता था बट अब विरोध नहीं आता बिल्कुल भी, लगता कि नहीं सामने वाले का भी वो भी ये उसकी चाहना तो उसकी भी सही है बट उसकी योग्यता नहीं है, तो ये चीज मुझे समझ में आ गई है। तो उस चीज से बहुत फर्क पड़ रहा है कि मुझे भी उसकी योग्यता को बढ़ाना है और उसकी अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना। ये चीजें बहुत अच्छे से मुझे अब कंसेप्ट क्लियर हो गया और उस पे चलने का पूरा निश्चय हो चुका है भैया बहुत ही सुंदर दीदी, बहुत ही बढ़िया। जी। तो ऐसा करते हैं, 10 मिनट का समय लगाते हैं। इन 10 मिनटों में हमें ये सारे स्टेप्स अपने अंदर एक बार दोहराने हैं और इसको देखना है। तो पहले भाव को सजग होना है, फिर उसको देखना है कि सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं, स्थिति मेरी सुखद है कि नहीं। अब तो आप इस बात पे निष्कर्ष दे पाए होंगे कि निर्णय तो आप ही ले रहे हैं, तो स्टेप 4 तुरंत पूरा हो जाएगा। तो स्टेप 5 में जरा सा आराम से देखना है उसको कि आधार में क्या है, समझ या मान्यता। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि इसमें ये बातें लागू भी होती है कि नहीं। तो पहली बात तो यहाँ कोई भाव है कि नहीं, जैसे कल भी बात हो रही थी, पहले ही बात हो रही थी कि हमारे अंदर हर क्षण हर इकाई के प्रति जिससे भी मेरा निर्वाह हो रहा है कोई ना कोई भाव तो होता है, जिसके अर्थ में विचार कर रहे हैं कोई ना कोई भाव तो होता है। तो उसके आधार में देखेंगे फिर समझ है या मान्यता, फिर उसको परिमार्जित करने का काम करेंगे। सर जो मैं देख पा रहा हूं अभी तक, जो आदमी के भाव जो देखता है और जो बदलते रहते हैं देखिए रुक जाइए ज्यादा यहाँ पे, यहीं मैं आपको रोक लेता हूँ। जी आदमी सर के जी भाव सर नहीं देखना है, अपना भाव देखना है। क्या है, हम फिर दूसरों की समीक्षा में चले जाते हैं, उससे कुछ नहीं नहीं निकलेगा सर अपने के लिए ही कह रहा हूं मैं, जी। ज्यादातर तो प्रॉब्लम वही होती है जो प्री कंडीशनिंग पहले से बनी हुई है सर। हाँ और जो सर अभी तक जैसे कुछ लोगों का तो एक वो रहता है जैसे ब्यूरोक्रेसी में खास तौर से प्योर अभी रुके, फिर भी पनिशमेंट नहीं जाते हैं, अभी नहीं जाते हैं, अभी जी ब्यूरोक्रेसी में सर जो लोग बैठे हैं उनके बारे में नहीं बात करते हैं। अभी अपने में देखना है कि मुझ में क्या भाव चल रहा है, उसका आधार क्या है और उसमें जी कैसे सर जी परिमार्जन हो, हाँ अपने सर ऊपर उसका ध्यान देना। इतना तो सर इसका बहुत असर हुआ है कि जैसे एक कहते हैं मन और चित्त बिल्कुल शांत सा रहने लगता है, जो एक बोझा सा माथे पे हो जाता था उसमें बहुत शांति मिलनी शुरू हो जाती है सर, मतलब हो भी चुकी है सर जी यदि पहले से कंपेयर किया जाए, जी वरना पहले तो यही रहता था कोई गलती करता है पनिशमेंट अवार्ड कर दो KCR में लिख देंगे तुरंत लेटर जारी हो जाए, लेकिन वो सर काफी स्थिति बदल चुकी है सर, जो मेरा अपना मानना है सर।
बढ़िया बढ़िया भैया। उसमें भी और देखें कि अभी हम निर्णयों के अर्थ में तो कुछ चीजों को देख पा रहे, एक अंतर पड़ा है। उस निर्णय के आधार में समझ बनी है कि नहीं बनी है, ये देखना आवश्यक है। क्योंकि ये निर्णय तो हम फिर से करो ना करो, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, या कोई मान्यता है ना, उसके आधार पर ले ही सकते हैं। परंतु जी जी जी, स्वयं में समझ बनी कि नहीं, संबंध की समझ बनी कि नहीं, विश्वास के भाव की समझ बनी कि नहीं, और ठीक से कहें ये मुझे हर क्षण दिखता है कि नहीं, कि दूसरा सुखी ही करना चाहता है मुझे, कर पाए या ना कर पाए, इन पे ध्यान देना है ना, तब जाके उसमें बारीकी आएगी, तब जाके उसमें सूक्ष्मता आएगी, देखने में बारीकी आएगी। अदरवाइज वो एक्सप्रेशन के लेवल पे ही कुछ चीजों को ठीक करने में हम लगे रहेंगे और दूसरों के एक्सप्रेशन को देख कर प्रभावित होते रहेंगे। जी सर, जी सर जी। और कभी कभी तो सर ये हंसी भी आती है कि हम छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते थे। ये मैंने बहुत पुराने टाइम से कंपैरिजन करे हैं तो अब महसूस होता है सर वो चीज। जी जी, तो इतना असर तो सर मैंने ऑब्जर्व किया है सर। बढ़िया भैया जी। अब इसको थोड़ा और बारीकी लाएं क्योंकि है ना, आप मुझे लगता है आपको एक डेढ़ वर्ष से तो ज्यादा हो गया सुबह के अभ्यास में कि नहीं। हाँ, काफी टाइम हो गया सर। और ये मॉर्निंग सेशन में भी जुड़े हुए आपको डेढ़ दो वर्ष तो हो गया है। जी सर, जी सर, है ना। उसको आप कितना नियमित कर पा रहे हो एक बात है, परंतु अब थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि कोई बात हम सुनते हैं, हमको बात अच्छी लगती है, उसमें हमको अच्छी संभावना दिखती है, शुरुआती दौर में हमको कुछ परिवर्तन भी दिखाई देते हैं, कुछ समस्याएं जो उन्होंने खुद तैयार की हुई थी उनका निराकरण भी कर लेते हैं, जिससे आराम भी मिलता है, राहत मिलता है। हाँ सर, उन सबका सोल्यूशन तो निकल ही आता है अब। हाँ, बट अब उसके मूल में काम करना है। देखिए, अभी चिंतन, बोध, अनुभव इस स्तर पे काम करना है, पहले तो चिंतन के स्तर पे काम करना है। वो काम नहीं होगा तो जो भी अभी तक परिवर्तन दिखा है ना, उसमें निरंतरता नहीं होगी, निश्चितता भी नहीं होगी, फिर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, फिर हो सकता है पुराने भाव हमारे बनने लगे, पुराने तरीके से हम रिएक्ट करने लगे, ये सारी संभावनाएं बन जाती हैं। इसलिए अब चिंतन को जागृत करना है। इस अभ्यास एक में अगर हम इस बात को भी अपने आप में देख पाए, मुझे चिंतन की क्रिया को जागृत करना है, एक महत्वपूर्ण बात होगी। चिंतन की क्रिया को जागृत करने के लिए ही विश्वास के भाव पे बात हुई थी, उसमें ही हम लोगों ने यहाँ से देखना शुरू किया था कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये मुझे स्पष्ट है कि नहीं, उसको ही देखें अपने आप में, है ना। तब ये भी देख सकते हैं क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। तो अब इसको थोड़ा सा भैया इसको थोड़ा बारीक करते हैं, है ना, इसको अपने आप में देखना शुरू करते हैं, क्या मैं हर क्षण हर व्यक्ति को सुखी ही करना चाहता हूँ। ऐसा भाव मेरे अंदर हो या ना हो, चाहना मेरी ऐसी है कि नहीं है, वैसे ही देख ले दूसरे की चाहना भी मुझे सुखी करने की है कि नहीं। बट ये दूसरे की चाहना को देखने में क्या होता है, फिर दूसरे के निर्वाह पे ध्यान देने लगते हैं और फिर वो छूट जाता है, ध्यान से हट जाता है। तो अपने बारे में देखते रहें, अपने बारे में देखते रहें। तो मेरा तो ये कहना है कि हमें से कई साथी एक वर्ष से ऊपर हो गया सुबह के सत्र को अटेंड कर रहे हैं, अब उसमें थोड़ा हम लोग बारीकी और लाते हैं, है ना। चिंतन की क्रिया को जागृत करने के लिए हमको जो भी प्रयास करना है, ध्यान देना है, अवसर बनाना है, उसके लिए हम लोग काम शुरू करें। जी बढ़िया भैया, ठीक, धन्यवाद। तो मैं अभी 27 अप्रैल 2021 से मॉर्निंग सेशन में जुड़ा था भैया, और मैंने अभी तक आज तक एक भी सेशन इसका मिस नहीं किया, चाहे इंग्लिश का है चाहे हिंदी का है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, इतना हर दिन सुन रहे हैं। और मैं देखा है कि जैसे आपको कोई बात उपयोगी या महत्वपूर्ण लगती है, चैट बॉक्स में आपका कमेंट भी आ जाता है, इसका मतलब ऐसा नहीं सिर्फ ऑडियो ऑन है बल्कि आप सुन भी रहे हैं। जी हाँ जी भैया, क्योंकि वही है ना, भागीदारी फिर जिम्मेदारी, क्योंकि इस कोर्स को मैं पढ़ा भी रहा हूँ स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि पहले सेमेस्टर में हमारे यहाँ पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी क्लासेस में है भैया। तो वही है कि भाई, क्योंकि पढ़ाना है, जिम्मेदारी है, और क्योंकि फिर मॉर्निंग सेशन में सिर्फ कोर्स की वर्कशॉप कर ली या कोर्स को पढ़ लिया, उससे परिमार्जन तो नहीं, क्योंकि आपकी छोटी छोटी बातें जैसे ये दो दिन में जो आप बता रहे थे, छोटा छोटा भाग करके हम देखें, उससे भी बड़ा फिर फायदा होता है, और उससे फिर अपने पे उसको करना
प्रैक्टिस, जैसे यही कि 2 दिन से मैं यही देख रहा हूँ कि मैं दूसरे का सुख चाहता हूँ, हर क्षण हर पल मैं सजग रहने की कोशिश कर रहा हूँ, चाहे मैं बाहर जा रहा हूँ चाहे घर में, क्योंकि इंट्रैक्शंस तो इतनी हो रही हैं आपकी, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी चली जा रही है, तो इससे भी बहुत छोटे छोटे आपके जो टिप्स हैं आपके और शर्मिला दीदी के, उससे बड़ा हेल्प होता है कि एक तो पहले अपने पे फिर उसको प्रैक्टिस करना, और फिर उसी से, क्योंकि जवाब कई बार स्टूडेंट कुछ जवाब ऐसा पूछ ले कोई टीचर, क्योंकि अब एक टीम भी डेवलप हुई है सर भैया कॉलेज में पिछले 1 साल से, पहले इसको हम एक दो ही जने पढ़ा, अब टीम हमें मिल गई है इस साल, ये हमें बहुत अच्छा हुआ है, 12 टीचर हैं हमारे साथ, तो उनको साथ भी वो एक बड़ा टीम डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, और आप जो बात करते हैं टीम डेवलपमेंट, तो उनके भी कई बार सवाल आते हैं, तो आपके जो मॉर्निंग सेशन से और फिर अपने पे प्रैक्टिस करने से वो जवाब उनको दे पाते हैं, तो इससे भी बड़ा मतलब, इसलिए मॉर्निंग सेशन जरूरी है भैया, कि जो आप बताते हैं छोटी छोटी बात उसको बड़े ध्यान से सुनना और उसको फिर उसके ऊपर चिंतन करना और फिर उसको मतलब अपने पे लागू करना, तो कई बार छूटता भी है ये, तो जैसे तारा दीदी भी बोल रही थी सुबह अभी, या विनय भैया भी कह रहे हैं कि भी काफी देर से हम लगे हुए और स्थिति में बदलाव तो है ही है भैया, क्योंकि घर में भी सबसे ज्यादा घर में पता चलता है अपनी वाइफ के साथ, या कॉलेज में भी पता चलता है, तो अब बाहर की, क्योंकि बाहर तो कुछ नहीं बदला है क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहे, तो बाहर की स्थितियां तो वैसी ही है, पर अपने में ही इतना मतलब इसके ऊपर काम करने से काफी वही सुख के क्षण बड़े हैं भैया, तो अभी तो बस इतना ही मैं शेयर करूंगा नववर्ष में। और इसकी अब ये जैसे अभी साहब बोलते हैं कि इसके बिना तो यही अब वे ऑफ लाइफ बन गया है, तो हर क्षण सजग रहे, बस इसीलिए बस मैं सुबह दोनों मॉर्निंग सेशन मिस नहीं करता ताकि ये वे ऑफ लाइफ में ही आ जाए, आ भी रहा है बट अभी भी काफी यात्रा लंबी है, ये सजगता हमारे अंदर बन जाए और ये निर्णय हो जाए कि मुझे अपने में परिमार्जन करना है, तो हमारी गति बनी रहेगी और हम धीरे धीरे आगे की ओर गति भी करते रहेंगे। ये जो ब्लॉक B1 की एक्टिविटीज हैं, ये एक्टिव होना है मुख्य रूप से, तो यही काम है हम सबके लिए इस पूरी शरीर यात्रा के लिए। बढ़िया भैया। भैया कई बार क्या होता है कि कुछ लोग जैसे कार्यस्थल पर विघ्न मतलब डालते ही हैं, मतलब तो उनकी जो चाहना है, हाँ हो सकता है उनको किसी बात से कुछ विरोध हो अंदर से, लेकिन मूल चाहना पर विश्वास ही मैं करती हूँ, लेकिन कई बार खुद का ध्यान भी खुद से हट जाता है और भाव हमारे भी बिगड़ जाते हैं उनके प्रति। जैसे अभी परीक्षाओं का टाइम है हमारे यहाँ, 6 मंथली एग्जाम है, तो एक दो लोग ऐसे बोल रहे थे कि विघ्न डालना है, तो इस तरह से जब सुनते हैं तो मन के भाव बिगड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करूं, मतलब उनसे बात करूं बार बार, हालांकि मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं उनको फोन करके उनसे बात करूं कि आपको क्या है, और हमारे भाव तुरंत कुछ क्षण के लिए बिगड़ जाते हैं, लेकिन बाद में जो आप यहाँ अभ्यास करा रहे ना कि हम क्या दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, ये पॉइंट तो इतना अच्छा, मतलब इतना विचार करने, इतना बारीक अपने आप पे ध्यान जाता है, तो मुझे यही भाव आ रहा है कि मैं उनको कॉल करूं, उनसे बात करूं कि क्या परेशानी है आपको, आप मार्गदर्शन दीजिए भैया थोड़ा सा। कर ले दीदी, अच्छा रहेगा। इनफैक्ट देखिए, हम निर्वाह में क्या निर्णय लें इसमें कोई सार्वभौमिकता तो नहीं होती, तो ये हम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार से निर्णय ले सकते हैं। कभी कॉल करके बात करना भी उपयोगी है, कभी नहीं बात करना भी उपयोगी हो सकता है, अगर वो कोई व्यक्ति नहीं सुन रहा तो किसी अन्य व्यक्ति से बात करके भी है ना समाधानित करने का प्रयास कर सकते हैं, ये कई प्रकार के निर्णय हम ले सकते हैं है ना, परंतु हमारे अंदर उस संबंध का भाव बना रहे, स्नेह का भाव बना रहे, मेरा संबंधी है ना समझ है इसलिए ऐसा कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि हमारे अंदर भी ना समझी हो, हम उसका भी मूल्यांकन करेंगे, और अगले व्यक्ति को ना समझ कह देना भी पर्याप्त नहीं है, उसके उसका भाव ऐसा क्यों बन रहा है, पास्ट में ऐसा क्या हुआ है जिससे वो आहत है, दुखी है, परेशान है या भयभीत है, उसको भी देखेंगे है ना।
तो उसको भी देखेंगे, अगर उसमें हम कोई समाधान दे पाए तो उस पर भी काम करेंगे। जी, और मेरे घर में छोटी सिस्टर आई हुई है, तो वो दूसरी जगह रुकी हुई है, तो कल मैंने उसको इनवाइट किया मतलब खाने पे, तो वो नहीं आ पाई, तो थोड़ा सा मेरे यहाँ तो आती नहीं है। फिर बाद में मैंने इसी पॉइंट को पकड़ा आपके बात को, कि क्या मैं उसको दूसरे को सुखी करना चाह रही हूँ, तो फिर मेरे भाव ठीक हो गए भैया। जितनी देर हमको स्पष्ट रहता है कि मैं तो दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, उतनी देर तक है ना हमारे इच्छा में भी दूसरे को सुखी करने का भाव ही बनता है। अगर ये चाहना भी हमको दिखाई देना तो हमारा भाव भी सुखी करने का ही होता है, प्रतिक्रिया का भाव या दुखी करने का भाव है ना, संघर्ष का भाव रहता ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है जीने में, बहुत मतलब आनंद आ रहा है भैया कुल मिला के। जी जी, और क्या हमको अपनी चाहना ही स्पष्ट रहे, उससे भी बहुत सारा कल्पनाशीलता में स्थिरता निश्चितता आ जाती है। क्योंकि हमको अपनी चाहना भी स्पष्ट नहीं रहती, इसलिए फिर हम बहक जाते हैं अपनी कल्पनाशीलता में। बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू भैया। बढ़िया दीदी, कुछ प्रश्न है कि बाहर आने में कैसे दूसरे के चाहना पे अगर शंका होती है। जी हाँ, उसमें बात हो रही है कि पहले हमको अपनी चाहना तो स्पष्ट हो कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है कि नहीं, इसको समय लग सकता है स्पष्ट करने में, परंतु मुझे ये तो स्पष्ट हो कि मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, ये तो हमको दिखाई दे, इसको देखना है ना, ये प्राइमरी स्टेप है। जी, तो ये सारे स्टेप्स अपने को देखने हैं, इसको देखते रहना है, इसके ऊपर काम करते रहना है। इसमें निर्वाह करते हुए भी हम ये अभ्यास कर सकते हैं, कभी एकांत में बैठ के भी देखने का काम कर सकते हैं, और इन दोनों को करते चले तो ज्यादा उपयोगी। एकांत में जब हम बैठ के ध्यान दे रहे होते हैं इस पे अपने आप में, तो रिकलेक्ट कर पाते हैं, तो हमको इमिडिएटली रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं लगती, तो हम गहराई में देख पाते हैं। परंतु हम देखते हुए विचारों में बहने ना लगे, इसके लिए जी कर भी अभ्यास करना जरूरी है। तो दोनों ही काम हम करते हैं। ये भी हम देख सकते हैं कि पिछले एक वर्ष में हमारी क्या गति बनी। गति को भाव में देखना है कि हमारे भाव में क्या गति बनी, पहले किस किस तरह के भाव होते थे, उसमें आपको इसकी आवश्यकता भी लगेगी कि अपने भाव पहले कैसे थे उसको भी हम रिकलेक्ट कर पाए, और अभी हमारे अंदर किस तरह के भाव बन रहे हैं, है ना, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है। हो सकता है परिमार्जन ना हुआ हो, परंतु परिवर्तन तो कुछ होगा। पहले विरोध का भाव घंटों चलाते थे, अब हो सकता है मिनटों में ही वो काम रुक जाता है। पहले उसके बाद विचारों में बह जाते थे, भाव का पता ही नहीं था, अब कम से कम भाव दिखने लगा है। पहले हो सकता कई सारी चीजों को हम सही ठहराते थे कि गलत भाव है, गलत विचार चल रहा है, परंतु सही ठहरा रहा है, अब उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है, इसको भी जांच ले। हो सकता है उन मान्यताओं को हमने मूल्यांकित भी कर लिया है, उसको अपने आप में निर्णय भी किया है कि ये ठीक नहीं है, इसको बदलना है या इसको परिमार्जित करना है, तो ये भी हम देख सकते हैं। तो मैं की जो यात्रा है उसको देखना है। तो मैं में क्या परिमार्जन हुआ है, भाव में क्या परिमार्जन हुआ है, विचार में क्या परिमार्जन हुआ है, उसको देखना है। जितना जितना आप इस पे फोकस होंगे उतना उतना शरीर से ध्यान शिफ्ट होकर स्वयं पे जाएगा, है ना, उतना एक्सप्रेशन से ध्यान हटकर आपके फीलिंग पे जाएगा। तो हमारे अंदर भाव क्या चला, पूरे साल भर में कौन सा भाव ज्यादा प्रोमिनेंट रहा, हम शरीर को लेकर कितना कंसर्न रहे, संबंध को लेकर कितना कंसर्न रहे, ज्ञान को लेकर कितना कंसर्न रहे, ये सब बातें अपने को ध्यान में आएंगी। तो इसको थोड़ा अपने आप में देखने का भी काम करेंगे और एक बार अपना मूल्यांकन भी करेंगे जी। तो स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना है हर क्षण, तो मेरे अंदर स्थिति बन पा रही है कि नहीं, कि मैं स्वयं चैतन्य को देख रहा हूँ, मैं अपनी कल्पनाशीलता को देख रहा हूँ, अपनी इच्छा यानी भाव विचार आशा को देख रहा हूँ हर क्षण बिना किसी प्रतिक्रिया के। तो बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए,
जैसा चल रहा है वैसा ही देख रहा हूं और इस सजगता मेरे अंदर बनी रह रही है। इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है, यह मेरे लिए सहज है या नहीं, यह मानवीय स्वभाव का अनुरूप है या नहीं, मैं इस भाव की निरंतरता को बनाए रखना चाहता हूं या नहीं, इसको अपने आप में देख रहा हूं। फिर इस क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है, उस भाव के साथ मैं आराम में हूं या परेशान हूं, संगीत में हूं या अंतर विरोध में हूं, सुखी हूं या दुखी हूं, इसको देखना है सजगता पूर्वक। इस क्षण हर क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है, इसका निर्णय कौन लेता है, बाहर की परिस्थिति, कोई दूसरा व्यक्ति या मैं स्वयं, इसको देखना है। तो ये अपने आप में है ना, हमको स्पष्ट है, ये काम अपने को करते रहना है। और जैसा हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि आधा घंटा कम से कम अपने साथ लगाएं, बैठे हुए लेटे हुए, आधे बैठे आधे लेटे हुए, जो भी पोस्चर आपको ठीक लगता है, और कम से कम आधा घंटा तो इस पे हम हर दिन लगाएं, धीरे धीरे इसको अभ्यास में ले आए, ताकि चलते फिरते काम करते कुछ भी मेरे अंदर चल रहा है उसका होश रहे, उसके आधार में जो भाव है उसका होश रहे, और उस भाव को जो मुझे काम करना है उसका होश रहे। और अलग से बैठ के यदि आधा घंटा लगाएंगे तो आपको दिखाई देता है कि आज दिन भर में कौन सी बात थी जो मुझे बहुत प्रभावित कर गई, जिसके कारण मेरा भाव स्थिर रहा या अस्थिर रहा, है ना? आज मेरे अंदर दिन भर किस प्रकार का भाव रहा, कल हमारे अंदर किस प्रकार का भाव रहा, उसको हम देख पाएंगे सजगता पूर्वक, फिर उसको आगे इन मुद्दों पे काम करेंगे कि मानवीय स्वभाव का अनुरूप रहा या नहीं, स्थिति सुखद रही कि नहीं, निर्णय तो मैंने ही लिया। तो इस क्षण हर क्षण मुझ में जो भाव विचार चल रहा है, इसका निर्णय मैं किस आधार पे करता हूँ, क्या मैं इसे अपनी समझ के आधार पर तय करता हूँ या समझ के अभाव में किसी मान्यता के आधार पर तय करता हूँ। समझ के आधार पर मैं सही भाव विचार के पक्ष में निर्णय ले पाता हूँ, मान्यता के आधार पर निर्णय लेने में अनिश्चित नहीं रहता कि मैं सही भाव के पक्ष में ही निर्णय लूंगा या उसके अन्यथा। तो इससे तय होता है कि यदि समझ आधार में है तो भाव सही बना रहेगा, उसका सुख बना रहेगा, अगर मान्यता आधार में है तो भाव निश्चित नहीं होगा, सुख भी निश्चित नहीं होगा। तो फिर अपने आप से पूछ रहे हैं कौन सा भाव मेरे लिए सहज है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, संगीत अथवा व्यवस्था का भाव या अंतर विरोध यानी अव्यवस्था का भाव, सहस्तित्व का भाव या संघर्ष का भाव। अब देखिए ये शब्द तो बहुत सारे हैं, इसको हम लोग बार बार कहते रहे कि देखिए एक बार में सब स्पष्ट नहीं होगा, संबंध व्यवस्था सहस्तित्व, है ना, इसके अर्थ में तो पूरी शरीर यात्रा लगानी है अपने को। अगर सहस्तित्व का अनुभव तक पहुंच गए बहुत ही अच्छा, फिर उसको साथ ही जियेंगे, उसके पहले जो तैयारी करनी है नहीं तो उसको तैयारी करेंगे। तो इसको एक एक करके बारीकी से देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें, संबंध के भाव का अर्थ क्या है, व्यवस्था के भाव का अर्थ क्या है, तो विश्वास के भाव को अपने आप में देखना है, उसमें भी मूल रूप से यहां से शुरू करना है कि क्या मैं दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, तो फिर ये और स्पष्ट हुआ क्या दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। तो हमें देखिए कि मैं चाहता तो दूसरे को सुखी करना हूँ, बट मेरे भाव बिगड़ते रहते हैं, निर्णय गलत होते रहते हैं, और जब मैं इतनी सजगता से ये काम कर रहा हूँ तब ऐसा हो रहा है। तो दूसरा जो बेहोशी में जी रहा है वो तो मान्यताओं में बहक ही रहा होगा, यानी उसकी चाहना गड़बड़ नहीं है, मान्यताएं गलत हो गई, कॉम्पिटेंसी कमी है, योग्यता की कमी है। वैसे ही आपको दिखाई देगा कि मुझे जब मैं कोई भौतिक रासायनिक वस्तु के साथ भी इंटरैक्ट कर रहा हूं, वहां मेरे अंदर पूरकता का भाव स्वीकार होता है या अन्यथा। तो व्यवस्था का भाव मतलब मेरे अंदर पूरकता का भाव हो जाए, प्रकृति की हर इकाई के प्रति, मेरे कपड़ों के प्रति, जूते चप्पल के प्रति, कमरे की वस्तुओं के प्रति, बाहर निकल रहा हूं बाहर की वस्तुओं के प्रति पूरकता का भाव है कि नहीं, इन सबके साथ मैं अपने संबंध को देख पा रहा हूं कि नहीं, और जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं जिसमें मानव की भागीदारी है, परिवार है, परिवार समूह है, समाज है, इसमें मुझे अपनी भागीदारी दिख पा रही है कि नहीं, पूरकता का भाव बन पा रहा है कि नहीं, उसको भी एक एक से शुरू करेंगे। तो परिवार व्यवस्था के अर्थ में भाव चल रहा है या अव्यवस्था के अर्थ में, परिवार समूह के अर्थ में व्यवस्था का भाव चल रहा है या उसके अन्यथा, फिर और बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे। इसको भी छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़कर देखें, एक एक
निर्वाह के मूल में जो भाव है उसको देखें, चाहे जड़ वस्तु हो या चैतन्य वस्तु हो, यानी मनुष्य हो या शेष प्रकृति हो, उसको देखें। फिर देखें सहस्तित्व का भाव बना रहता है या संघर्ष का भाव बन जाता है, अस्तित्व को लेकर हमारे अंदर शंका रहती है या आश्वस्ति रहती है, अपने होने को लेकर शंका रहती है या आश्वस्ति रहती है, दूसरे के होने को लेकर शंका होती है आश्वस्ति होती है। ये जो अन्य इकाइयां हैं पूरी प्रकृति में, इनका होना मुझे स्पष्ट रहता है या मेरे लिए रहस्य रहते हैं कि नहीं, ये सारे मुद्दों पे आप ध्यान दे सकते हैं। इनको छोटे छोटे स्टेप्स में लेके चले, ध्यान देते चले तो बारीकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमारे लिए मानव संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्यादातर समय हम उसको लेकर ही अपने अंदर उद्वेलित रहते हैं, तो वहां से ध्यान देना शुरू करें। कई बार हम शरीर को लेकर बहुत उद्वेलित रहते हैं, तो शरीर को भी ध्यान देंगे। अभ्यास दो में इस काम को और बारीकी से करेंगे। तो स्टेप सेवन में बात हो रही है कि हम सुनिश्चित करें कि हर क्षण मेरा भाव संबंध के अर्थ में है, व्यवस्था के अर्थ में है, सहस्तित्व के अर्थ में है, न कि अन्यथा। इस आधार पर मैं इस क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। और यदि ये भाव निरंतरता में सुनिश्चित हो पाते हैं, मैं हर क्षण संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, मैं निरंतर सुखी रहता हूँ, मैं देख पाता हूँ कि जब मैं संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व को संपूर्णता में समझता हूँ, तो मैं उसी के अनुरूप अपने भाव विचार का निर्णय लेता हूँ, निरंतर आराम में रहता हूँ, संगीत में रहता हूँ, सुखी रहता हूँ। यही पहुंचना है हमें, बट यहाँ पहुंचने के लिए जो अपनी तैयारी होनी है, उस तैयारी के लिए अभ्यास है। इस अभ्यास के हम लोग अब आखिरी स्टेप पे आ गए हैं, आखिरी स्लाइड पे आ गए हैं। तो निश्चित रूप से जब हम लोग ये अभ्यास कर रहे हैं सुबह में, तो इंटेंसिटी बढ़ती है, हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाती है इन बातों को सुनना, इस पर ध्यान देना। जब हम शेयर कर रहे होते हैं और इंटेंसिटी बढ़ जाती है, जांच रहे होते हैं इंटेंसिटी बढ़ी हुई रहती है ना। परंतु ये निर्णय हो पाए कि यही मूल काम है, मुझे अपने भाव में परिमार्जन करना है, ब्लॉक इवन में अपनी एक्टिविटी को जागृत करना है, ठीक है ना। तो जो हमने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया, उसे प्रस्ताव मिला, एक आशा बनी, यहाँ समाधान तो है, कुछ स्पष्टता बनी कि देखो मेरी मूल चाहना तो सुखी होने की है, सुविधा संग्रह की नहीं, मेरी मूल चाहना तो दूसरे को सुखी करने की है, दूसरे के अनुसार दूसरे की मान्यताओं को पूरा करने का नहीं। हम सबका समाज में जीते हुए तो एक लक्ष्य है, ऐसा नहीं कि हम परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो कुछ स्पष्टता भी बनी, कुछ चाहना स्पष्ट हुई, आशा भी बनी कि हाँ रास्ता निकल सकता है, अभी जहां उलझे हुए वहां से आगे बढ़ सकते हैं। परंतु यदि हम इस बारीकी को अपने अंदर विकसित ना करें, ध्यान न दें, सजगता न बनाए, तो धीरे धीरे निराशा भी बनती है, तो लगता है कि देखो हमारे में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, इतना समय निकल गया, ठीक कोई सुनता भी नहीं है मेरी, समझते भी नहीं है लोग, तो हम कई बार निराश भी होने लगते हैं। तो आप पाएंगे कि वर्कशॉप तो हम में से कई लोग करते हैं, है ना, अभी तक अगर हम देखें तो लाखों लोग वर्कशॉप किए, है ना। परंतु हो सकता है कि अगर हम अपने ऊपर सजगता से काम ना करें, तो फिर हमारी गति धीरे धीरे रुकने लगती है, हम अपने आप में निरंतर गतिशील नहीं रह पाते, परिमार्जन नहीं कर पाते। इसलिए उस अर्थ में यह अभ्यास है। और हम मूलतः कहाँ उलझते हैं, तो इसी में उलझते हैं कि हम सुख को स्वभाव के रूप में देख रहे हैं या प्रभाव के रूप में, ये मूल मुद्दा है उलझने का, निराश होने का, शंकाग्रस्त होने का। तो जब हमको सुख स्वभाव के रूप में नहीं दिखता, तो हम दूसरे से कोई अनुकूल भाव पाकर या दूसरे शरीर से अनुकूल संवेदना पाकर सुखी होने में लग जाते हैं, यही हमारी फसावट है। परंपरा में सत्य के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए बहुत सारा प्रयास हुआ। आप जब उनके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, उनके द्वारा किए गए प्रयोगों को सुनते हैं, तो लगता है हमसे बहुत ज्यादा लोगों ने मेहनत किया है, ध्यान दिया है, अपने आप को लगाया है, अपना तन मन धन लगाया है। परंतु यदि परंपरा नहीं बन पाई, तो उसके मूल में यही रहा कि हमको एक समय के बाद अपने ऊपर काम करना भारी पड़ने लगता है, अपने ऊपर काम करने का उत्साह नहीं बनता, ठीक है ना, मुझे स्वयं में परिमार्जन करना है, ये निर्णय नहीं बन पाता। और फिर हम ये जो दूसरे से मिलने वाला भाव है या शरीर से मिलने वाली संवेदना है,
इतने भय में रुक जाते हैं, और फिर हम इन सारी बातों को एक किनारे रख देते हैं, बोलते हैं सब बड़ी ऊंची बातें हैं, बड़ी बातें हैं, हमारे वश की बात नहीं है, और फिर वो परंपरा धीरे धीरे विकृत हो जाती है। तो मूल काम तो ये करना है अपने को कि ये दिखाई दे कि सुख स्वभाव है, न कि कोई प्रभाव है। और आज नहीं तो कल इस निष्कर्ष पे तो पहुंचना ही होगा, नहीं तो ये परतंत्रता बनी रहेगी। परतंत्रता ही बंधन है, स्वभाव के रूप में दिख पाना ही मुक्ति है। तो देखें तो हम जितना भी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उसके मूल में तो यही है कि हम सुख को स्वभाव के रूप में देख पाएं, इस परतंत्रता से मुक्त हो पाएं। और ये काम मुझे ही करना है, मुझ में ही होना है, मेरे द्वारा ही होना है। तो जो भी परिस्थितियां हैं इन सब का हम सहयोग ले पाते हैं, चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। प्रतिकूल परिस्थितियों की अपनी एक भागीदारी है, उससे हमारा ध्यान सटीकता से जाता है उन मुद्दों पे जहां पे हमने ध्यान नहीं दिया था। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनके प्रति भी मेरे अंदर धन्यवाद होता है कि हाँ इन्होंने मुझे है ना मेरा ध्यान आकर्षण कराया, मेरा सहयोग किया। जो अनुकूल होती हैं उनके प्रति भी धन्यवाद होता है कि हाँ अब मैं अपनी स्थिति को बनाए रख पा रहा हूँ। तो जो प्रतिकूल है वो ध्यान आकर्षण कराती हैं, जो अनुकूल हैं वो ध्यान को बनाए रखते हैं कि नहीं। तो ये अभ्यास हमें बनाए रखना है और बहुत ही बढ़िया। तो आज हम लोग वर्ष के पहले दिन चर्चा कर रहे हैं और एक तरह से हम एक महत्वपूर्ण स्थिति में हैं कि अभ्यास एक हमने पूरा किया है, इसको अपने आप में बनाए रखना है। और आज दिन भर में कुछ समय तो हम निश्चित रूप से लगाएं। कई बार ये होता है कि ऐसे जब अवसर आते हैं नया वर्ष, तो मान्यताओं या संवेदनाओं का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे समाज में जो चल रहा है या जो कल रात चला होगा, उसे मान्यताओं का संवेदनाओं का प्रभाव बढ़ गया होगा। परंतु निश्चित रूप से हम में से जो साथी साथ साथ जांच परख में लगे हैं उन पे प्रभाव नहीं काम किया होगा या बहुत कम काम किया होगा। तो ये भी एक उपलब्धि है ना। और आगे हम और इस प्रभाव से निकलकर अपने स्वभाव में स्थापित होने के लिए काम करें, उस पर ध्यान देना है।